चाहते हो, ऐसी कौन ताजी खबर हमारे बारे में लाए हो, उसको आगाह कराओ। और लाया हूँ ताजी खबर, और सुनिएगा सब। पुलिस 50,000 रुपए इनाम में रखा है। पुलिस वालों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। बिल्कुल सच है सरदार जी। पुलिस वाले कर सके नहीं। पुलिस वाला कोई काम नहीं, मार कर भेज दूं उसको। ये सरदार जी, जंगल में रोने की आवाज कहां से आ रही है? सच ही मुझे मालूम पड़ता है, कोई पुलिस का मुखबर तो नहीं है। होशियारी के साथ रहना। सरदार जी,
और कम की दरिया में डूबी मेरी दास आखिर इस बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे हो सरदार जी? मैं इसी जिले का रहने वाला हूं और मेरा नाम राजू है, मेरे बापू का नाम भिक्खू है। वो इस समय कहां है? बापू जी तो मेरे घर पे हैं और एक मेरी बहन थी चांद और एक मेरा भाई जिसका नाम राजेश था, विकास। यानी विकास बेटा, उन उसके बाद में क्या हुआ? यहां के ठाकुर जमींदार गुमान सिंह वह उनका भाई बड़ा मेरे भाई और बहन को कत्ल कर दिया। क्या खून का इल्जाम लगवा दिया सरदार? अब कहा तुम्हारे भाई विकास को मार करके और उसी के खून के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया सरदार। बेटा तो चुप रहो, अब निगम की बदला मुझसे और चुकाओ नहीं तब तलक पानी जल सारा घबराओ नहीं, और सारे हराम ज्यादा से गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। मगर आप ये बताओ आपकी आखिरी तमन्ना क्या है सरदार जी? मेरा सिर्फ दुनिया में बापू रह गए हैं और मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे आपका सहारा चाहिए सरदार जी। मगर हमारे शरण में आने से पहला जो कोई व्यक्ति आता है उसे माँ भवानी की सौगंध खानी होती है कि मैं किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और ये बंदूक उठाऊंगा सिर्फ न्याय के लिए, अन्याय के लिए नहीं। और आपसे माधवपुर गांव में ना तो किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, अगर ऐसा किसी ने किया तो समझ लो उसका चेहरा खाओ मां भवानी की सौगंध। सरदार जी ये आपकी शर्त मुझे मंजूर है, आज मैं कसम खाता हूं मां भवानी की ये बंदूक जब उठेगी दरिंदों को नाम और निशान। शाबाश, अगर मैं किसी साथी वाकबदारी करूंगा या किसी बहन बेटियों पे नजर डालूं तो या मां भवानी
सबसे पहले मुझे और तुम्हारी जीने की सर्वश्रेष्ठ कला क्या होगी जानते हो? मरो आज दुनिया बदल जाए जमाना क्यों ना खिलाफ हो, दुनिया बदल जाए जमाना क्यों ना खिलाफ हो, मगर रास्ता वही चलूंगा तेरी यार खराब हो। तूफान बनकर खाएगा साला दर दर की ठोकर पड़ा। कहते हो सरदार जी? सरदार जी है, सुनो हमारी बात। क्या कहना चाहते हो? और अगर मेरी तकदीर ने और दिया जो मेरा मेरी होगी, आज सरकारों की इस दुनिया में नहीं जरूर। और अगर कोई भेदी अफसर आकर नजरी आवेगा और कम हिम्मत वाला डाकू कुर्बान सरदार जी ऐसे कोई भी ये जितना लूटा हुआ धन है ये सभी गरीबों में बांट दिया जाए। सरदार जी आज से कभी कोई गरीब इंसान को नहीं सताया जाएगा। सच कहते हो सरदार जी? तो लूटना तानिया मीरों का यही धंधा हमारा। सारे अड्डे अपने दिखाओ, उसके बाद मैं उन दरिंदों से बदला लूंगा। पढ़ाओ पैगाम सरदार, जय मां।
मालिक। बताओ पिताश्री कहाँ है रे? अरे पिताश्री देखो वो शाम में शहर है। ठीक है बुलाऊं ना। कुमार शोक अचानक तुमने मुझे क्यों याद किया? बोलो क्या माजरा है? पिताश्री आप तो चौपाल में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हो, कुछ आपको खबर भी है? पिताश्री सुनो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो हाथ पे हाथ रख के वो बैठे पिता पिताश्री, और हाथ पे हाथ रख के वो बैठे पिता कुछ जमा झोपड़ी पर, अगर राजू का पता बता देगा तो अच्छी बात, अगर नहीं बताएगा तो फेंकवा मेरे आश्चर्य प्रमोद। और आपको साले तुझे ये नहीं मालूम है, और आपको कुमार सिंह नाम है, मेरा शेर भी मुझसे मुकरता है। कुमार सिंह नाम है, मेरा शेर भी मुझसे मुकरता है। अगर शेर को खोल के देख ले तो झुकते सला।
पहले यह पक रहा है कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। एक बात बता रहे, तेरा लौंडा रजुआ कहा है? अरे मेरा बेटा राजू, आखिर हुआ क्या जो आप इतना नाराज हो रहे हैं? अगर जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन। तेरा बेटा जो राजू है उसने मेरी बेटी कल्पना को अगवा कर ले गया है। बोल, तेरा बेटा कहा है? बोल। आपकी बेटी कल्पना को राजू भगा कर ले गया है, लेकिन राजू है ये कोई नहीं चाहता है कि कोई नहीं चाहता किसी की औलाद गलत रास्ते पर चले या कोई गलत काम करे। लेकिन ठाकुर साहब, सबसे बड़ी कमी तो आपकी है, जब आपके ठकुराई नहीं है तो अपनी लड़की को थोड़ा अंदर में रखना चाहिए। तुम तो उसको छूट दे रखी है, हमारा मान तो काल को पढ़ ले जाती है, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते? इसीलिए तो तेरा बेटा ले गया मेरी बेटी को, तो हम उनको बताओ आज पकड़ाइए, सच बता दे मुझे। नहीं मैं चैन पाऊंगा, अरे चांद लग लूंगा नहीं
राम जो देश तक तूफान बनकर साले दर दर की ठोकर परेशान अंतिम से कुछ कहना है क्या कि हमारे सीने में वो ज्वाला भभकने लगी है कि हराम जादे माधवपुर में सीना दुश्वार कर दिया और या अधिनाती और चल कर या भी और मचा दो चल को है नंदी नंदी बोटी काट कर क्या और कुत्तों को खिलाऊंगा।